दानापुर थाना क्षेत्र के कृषि मुबारकपुर फॉर्म के पास किराना दुकानदार को देर रात में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहा है। घायल व्यक्ति के सिर में गोली लगी है, जिसके इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति की पहचान दानापुर थाना क्षेत्र के न्यू ताराचक के रहने वाले दरबारी राय का पुत्र दिलीप राय के रूप में हुई है, जो किराना दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था। घटना की सूचना मिलते ही दानापुर थाना अध्यक्ष, शाहपुर थाना अध्यक्ष सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच की। पटना सिटी एसपी पश्चिम अशोक मिश्रा ने बताया कि किराना दुकानदार की गोली मार दी गई है। फिलहाल गोली मारने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। अज्ञात का मामला दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है, जिसका दानापुर कांड दर्ज किया गया है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। स्वर्णरानी के दानापुर में मुबारकपुर ताराचक के पास एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना बीती रात्रि हुई, और उसमें जो है वो अभी उनका इलाज चल रहा है। परिवार का बयान लिया गया है, तो परिवार ने अभी अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है, सभी एंगल से जांच की बात बता। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।